हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है उसके हम आप लोग को लेकर आए सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का घटाव। तो चलिए उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 12/5 - 3/6। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो 5 और 6 इन लोग दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। 5 और 6 का एलसीएम कभी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ क्या हुआ, जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। वो आपको आपका जो भी नंबर से आप लगाएंगे, समय ये 5 है तो 5 का टेबल में, अगर 5 का टेबल से लगाते हैं तो 5 का टेबल में के 5 है, एक ठो कुछ और 10, 15, मतलब जो भी है 5 का टेबल में के वो होना चाहिए, तब आपका एलसीएम लगेगा। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ क्या है आपका, ये सिर्फ 5 अकेले और ये सिर्फ 6 अकेले है, तो दोनों में से एक भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों तो अकेले अकेले है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से आप 6 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 30। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 30। फिर 5 का टेबल से इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद जो भी इसका आंसर आता है उसी इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, यानी 30। 5 6 6 30 यानी 6 बार में। 6 का टेबल पढ़िए आप 12 बार, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 में। तो 6 12 12 6 72। तो आप यहाँ पे कितना लिखिएगा 72 माइनस, फिर 6 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 बार में। अब 5 बार में पूरा कट जाएगा, 6 5 30। फिर 5 का टेबल पढ़िए आप 3 बार, कितना हो जाएगा 15। तो आप यहाँ पे कितना लिखिए 15। अब इसे आप ज़्यादा में से कम वाला घटा दीजिए, तो ज़्यादा कौन है 72, 72 में से आप 15 को घटा दीजिए। देखिए ये आपका 12 है, 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 इसको के कैरी दे देगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब ये कितना बचा आपका 6 6 में से बन जाएगा तो 5 यानी 57 अपॉन 30 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर ये कटता है तो हम इसे काटेंगे, तो ये 3 का टेबल से कट रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या था, क्या आपका जब जोड़ने पर संख्या का 3 का नाम टेबल में के कोई आए तो 30, तो आपको पता ही होगा कि आपका आता है 10 बार में, और आपका 57 का बात है तो 57 कितने बार में आता है। अब इन लोग दोनों को ऐड कीजिए तो 57 कितना हो जाएगा 12। अब 12 3 का 12 में आता है, यानी 57 भी आपका 3 का 12 में आएगा। देख कर डिवाइड करके देख लेते हैं 57 ये 1। फ्रेंड्स आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो 3 का 12 में आपका 57 कितने बार में आता है, इसे 1 बार में लगाइए 3 आएगा, फिर 2 पर से उतरेगा, फिर 3 का टेबल 27 9 बार में आता है, यानी 27 पूरा पूरी काट जाएगा। तो ये 10 बार में आता है और ये 19 बार में आता है, ये आप कटेगा नहीं फ्रेंड्स, तो 19/10 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए इसको अब आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो क्या कीजिए, इन लोग तीनों का आप एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम निकालिएगा 8 2 9 का, तो 8 2 9। सबसे पहले इसको आप 2 का टेबल से लगाइएगा, 2 का टेबल में 4 कितने बार में, 8 कितने बार में आता है 4 बार में, 2 का टेबल में 2 कितने बार में आता है 1 बार में, 2 का टेबल में 9 नहीं आता तो जैसे वैसा ही लगा। आप क्या ये फ्रेंड्स किसी का टेबल से लग रहा है, नहीं, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का टेबल से भी लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 है। अगर 2 का टेबल में के कोई यहाँ पे रहता एक दो डिजिट तो हम लगा देते, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या 4 है अकेले, इसी कारण हम इसको नहीं लगाएंगे, कोई टेबल से 4 नहीं लगेगा। 1 तो 1 को आप 1 से टेबल से लगाइएगा, तो देखिए
वन ही आएगा, यानी वन वन आते ही जाएगा। और ऐसे भी वन तो सिर्फ एक ही ठो है और नाइन भी एक ही ठो है, इसी कारण अब नहीं लग गया। तो इन लोग सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो कि जब आपको एलसीएम लगाना है तो आपको मतलब जो जिससे एलसीएम दिया उसमें जिस टेबल से लगा रहे हैं उस टेबल में क्या आपको एक नहीं होना चाहिए, दो या फिर दो से ज़्यादा हो सकता है तो आपका एलसीएम लगेगा, लेकिन एक दो या दो से कम हो सकता है तो आपका एलसीएम कभी नहीं लगेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8, 8 1 8, 8 9 72। तो आप इन लोग से आपको एलसीएम निकालिए 72, 8 से आप 8 के टेबल में 72 कितने बार में आता है डिवाइड कर दीजिए। नाइन बार में 9 8 72, 9 बार में 9 का टेबल से आप 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 45, तो 45 लिख दीजिए यहाँ पे आप। माइनस 2 का टेबल में 72 कितने बार में आता है 36 बार में, 36 का टेबल पढ़िए अब आप 9 बार। नाइन सिक्स जा 54 का आपको 4 लिखिए 5 पर कैरी। 9 3 जा 27 और 5 कितना हो जाएगा आपका, जब 27 और 5 को आप ऐड कीजिएगा तो फिर देखिए कि आप 27 और 5 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 32। तो आप यहाँ पे 32 लिख दीजिए, यानी 33 2 4 इसका हो जाएगा यहाँ पे 324। फिर 9 का टेबल में 72 कितने बार में आता है आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए 8 बार में कटेगा ये पूरा पूरा, और 8 से आप 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 बचेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब देखिए कि इन लोग देखिए इसके पहले किसका सिंबल है, प्लस का इसके पहले है और इसके पहले किसका है माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है ये तो आपको कंफर्म हुआ। फिर माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लिख तीनों सबको हम ऐड कर देंगे तो 45 324 और 16 को ऐड कीजिए 5 4 9 9 6 15 15 का 5 1 रहा कैरी 4 2 6 6 1 7 1 8 और 3 तो 3 यानी 385 अपॉन 72। हाँ फ्रेंड्स अगर ये काटेगा आपको तो काटिए, अगर नहीं काटेगा तो नहीं काटिए। तो देखिए 72 तो 3 का टेबल से काट जाएगा, क्यों, क्योंकि 72 कितना होता है 9 और 9 का तो 3 का टेबल में आता ही है। अब इन लोग को ऐड कीजिए 3 8 कितना हो जाएगा 11 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, यानी 3 का टेबल से भी नहीं काटा, 2 का टेबल से भी नहीं कटेगा और 4 का टेबल से भी नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स यह भी नहीं कटेगा तो इसका सही यही आंसर हो जाएगा। तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स।